अस्सलाम वालेकुम, मैं मजहर अब्बास ते तुसां देखदे पए यूट्यूब चैनल थाल इनसाइडर। उम्मीद करे सं सारे दोस्त अहबाब ठीक ठाक हो। सो अलहमदुलिल्लाह असां भी ठीक हैं। अज दा व्लॉग करीने शुरू। उस तो पहले छोटी जी रिक्वेस्ट कि जिन्ना फिरावां जिन्ने साडे चैनल को सबसक्राइब काई नहीं कीता तां जल्दी जल्दी नाल सबसक्राइब कर खिनो, नाल बैल आइकन दे बटन को लाजमी प्रेस करे सो, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो दा नोटिफिकेशन तुसां फिरावां तक पहुँचदा रहे। अज दा व्लॉग करीने शुरू। अज देखदे पए कि सारियां मुर्गियां हैं। मौसम बड़ा अच्छा है पिया, आज बदल वगैरह हैं पे, बड़ा बेहतरीन मौसम है। आज गर्मी भी ज़्यादा है पी, लेकिन हल्के फुल्के बदल भी हैं पे। गर्मी बहुत शदीद है। कोई यार सर बड़ा नुकसान थे आप ये अचानक ही को क्या थी है। देते पे सारी यार एक मुर्गी देते पे है कि मुर्गी सारी मर गई है, पता नहीं इसको क्या थी है। इनकी चेकिंग करीन दें कि नल क्या मसला बने। बड़ा यार नुकसान थी है, मुर्गी पता नहीं क्या थी है। वैसे आजकल सारे को मौसम है पिया, गर्मी आ गई ना, नांग वगैरह दहन पे मौसम साप वगैरह होंगे बहुत ज़्यादा इतना सारे को थाले, तो ये मेरे को लगता है कि इसको आज कोई नांग लड़ गई है। तो माशाल्लाह काफ़ी वजनी आई पी, तो बड़ा नुकसान थी यार साडा। यकीन मनो कि आजकल एक मुर्गी 700-800 रुपए की मुर्गी है पई। तो मैं इसे वास्ते सेल ही नहीं कीतियां कि मौसम अंडे का सीजन तो होंगे सर्दियां, सर्दियां वाला सीजन गुजारे तो गर्मियों को असा आखे इन्ना इन्ना सेल नहीं करेंगे। ये देते पई वे सारी बेल है पई अंगूर दी, जरा पानी की कमी है पई, इस वजह की तेरी अच्छी नहीं पई थी, सरी ही चढ़ चढ़ती पई है, चढ़ी वी काफ़ी हद तक वो देते पे चढ़ गई है। ये अंब का पौधा है पिया नाल तले सारा, ये अंब का अंब तो सरी ही दोहे इकट्ठे थी गए इन्हों तो दिखाऊँ कि मुंड तले देते पे वे बिल्कुल ही सरी ही मुंड और अंब बिल्कुल लगता है पेवन देन कि इन्द पेवन थे। ये अंब का पौधा है पिया, ये तो दिखवाऊँ इन साइड पे ये चीकू है पिया, ये चीकू का पौधा है। ये उम्मीद है अगले साल फल जैसी। ये गुलाब वगैरह हैं सारे, ये छोटा जहा यो बनाया से ये पानी की वजह तो सोख गई है तलहड़ वगैरह। ये खुरमानी का पौधा है पिया, खुरमानी वो भी खुरमानी है पे जी दीवार नाल नजर आती पी है थोकू, वो दोहे खुरमानी के पौधे। ये दोहे खुरमानी के पौधे हैं पे। ये माल्टे का पौधा है, इन साल फल का ही नहीं चाहिए। मुर्गी मुर्गी तो कोल खड़ी है यार, बड़ा अफसोस मुर्गियाँ कोई अफसोस चाहता उस मुर्गी बिरादरी का, मुर्गी आई इन्हों की बिरादरी की वो फौती गई है बेचारी, मुर्गियाँ कोई अरमान लगता उस। एक चनार है भाई, चनार का पौधा है। ये निबू है पिया, ये चाइना वाला निबू है। वैसे दू निबू सारे बे हैं, दू पौधे उन्होंने दू निबू जो देसी निबू हैं पे, ये है सदा चाइना वाला निबू के, चाइना वाला निबू गर्मियां सर्दियों को फल चाहता है। ये थोक पहले असं दिखवाइए, ये भी बड़ा खूबसूरत पौधा होंगे। इसका मेरे को ना का ही नहीं आता, वैसे मैं को कहीं दोस्त गिफ्ट किया है नर्सरी वाले। ये भी बड़ा अच्छा पौधा है, ये नहीं पता कि फलदार पौधा है या फुलां वाला पौधा है, लेकिन ये भी ये अच्छा पौधा खूबसूरत बड़ा है पिया। सारा फार्म है हूँ, समय तो पै दुकान तो दुकान तो गिनद चूहा वाली दवाई के चूहे अजकल साग बड़ा खराब की पैन।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਪੈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੂਹਾ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਹੇ ਖਰਾਬ ਕਰੀਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਆਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸੋਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਪਾਹ ਜਿਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸੋਫੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਥੀ ਵਜੇ ਲੋ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਸੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਦਵਾਈ ਅਸਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਖਿੰਗੀ ਥੀ ਵੇ ਚੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਅਸਾਂ ਛਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਵਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਸਟਰਡ ਵਗੈਰਾ ਖੀਰ ਮਿਕਸ ਮੁਰਗੇ ਮਿਸਾਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਗਿੱਧੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗਿੱਧੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਂਘਰ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਿਦ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸਰਾਇਕੇ 'ਚ ਕੁਆ ਦੇ ਵੱਡਾ ਖੂਣ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੂਣ ਇੱਥੋਂ ਦਿਸਦਾ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਇਹ ਕਿ ਥਾਈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਬੁਲਾਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਭਾਈ ਹਨ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਯਾਰ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖ ਪਈ ਵੇ ਕਿ ਡੱਬੇ ਮੈਂ ਹੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਵਦਾਂ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਹੱਥਾਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਈ ਵਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਦੇ ਕਿ ਛਾਪਰ ਥੀ ਗਏ ਮਹਿੰਗੇ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਛਾਪਰ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਾਂ ਡੱਬੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜ ਛੇ ਡੱਬੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਕੜੀ ਵਦਾਂ ਕਿ ਛਾਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਮੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਮੁਰਗੀ ਉੱਠਾ ਉਠਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦੇ ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਇਸਕੋ ਮਸਲਾ ਕਿਆ ਬਣਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਯਾਰ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਇਸਕੋ ਅਸਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਆ ਬਣਾ ਕੋ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੂੰ ਇਸਦੇ ਕਲੇਜੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਸੂੰ ਪੋਟਾ ਦੇਖ ਸੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਵਾ ਸੂੰ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਿੱਥਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਗੈਰਾ ਥਈ ਹੈ ਕੋ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੜ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਮੁਰਗੀ ਗਿੱਧੀ ਹੈ ਖੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਵਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੁਰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਥਈ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਇਸਦੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਹੈ ਪਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਦਾ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਨੇ ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਹਨ ਪਈਆਂ ਆਂਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾ ਅਸਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਖੇ ਨਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਸਾ ਮੁਰਗੀ ਚੈੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕੋ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਸਦਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਕਲੇਜੀ ਕਲੇਜੀ ਇਸਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਲੇਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੈ ਪਈ ਸਰਾਇਕੀਆ ਚ ਆਖੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਸੁੱਜੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਜਿਸ਼ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇਤਨਾ ਮਸਲਾ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਮ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਸਦਾ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਈ ਇਸ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਚਾਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਤਾ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੋ ਜ਼ਹਿਰ ਥਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਾਕ ਹੈ ਪਿਆ ਬੰਦ ਹੈ
ये मैं थोड़ा दिखाऊंगा कि अंदर इसका बिल्कुल जाम थी गया ही इस वजह की थी मरी ये। ये पोटा है पिया अच्छा। एक चीज़ ये भी कन्फर्म थी गई इसको खोलन नाल कि ये मुर्गी अंडा का ही नहीं दी, क्योंकि इस दे विच अंडा का बूर जड़ा है ना ये हूँ थोक मैं दिखावा कि ये हैं छोटे अंडे अंडा का एक हूँ उन्होंने ना स्टार्ट थी बनता इसका है कि इस हूँ अंडा शुरू करे आ इस सर्दियों वाले सीजन के इस अंडा मैं लगता बिल्कुल अंडा इस दिते कोई नहीं इस वजह की तीन दुते देते पे मैंने काफ़ी हद तक चर्बी वगैरह भी है पी ये बड़ा जाम थे आप ये पता नहीं इसको क्या मसला है। अच्छा ये भी चेक कर घिंदे हैं खोल के कि इसका क्या मसला है कि इतना जाम क्यों है कि ज़रा मुश्किल बनती पी है कि साढ़े एक हद बच्चे पे मोबाइल लेकिन इसको असा खोल के चेक लाजमी करना है कि इंडे चीज़ क्या है। काफ़ी हद तक खाधी हुई है रेत और इस दाना सब तो मेन मसला पोटा बांध दे इस वजह की इसको थे ये जहर दे दे पे वे इसका पोटा बांध आई पिया वैसे एक पोट आते हैं वैसे बिल्कुल ही बांध दे इस रेत खाधी है काफ़ी ज़्यादा लेकिन मुर्गियां रेत वगैरह पत्थर वगैरह हजम तो कर पाइदियाँ लेकिन इन्ना तो नहीं थी देते पे भी इस मुर्गी हजम नहीं कर सका तो काफ़ी ही रेत है पी सब तो मेन वजह इसकी ये पोटा पहले बंद थी है पोटे तो बाद इसको जहर थी है जहर थीवन तो बाद इस खावना पीवना छोड़ दिता उसी दिहाड़े थी क्योंकि काफ़ी सारिया मुर्गियां मैं इसका इतना ख्याल नहीं कर सका कि क्या मसला बने जे खाँदी पई है या नहीं खाँदी पी सर्दियों तो बंदा ख्याल करी जाता है सर्दियों के मौसम अंदर बंद होंदिया तो इन्हों का पत्ता लग पाता है लेकिन वो ये काफ़ी देते पी नहीं अंदर काफ़ी जहर फैली पई है इस वजह की तो इसका पत्ता नहीं लग सका तो चलो बंद करी दें वीडियो ये असा अच्छी तो मुर्गी की पोस्टमार्टम थोड़ा इनका ऑपरेशन करके दिखाया से कि ये भी काफ़ी हद तक सोजिश की पी है कलेजी भी इसकी सोजिश की पई है ये देते पे ये भी बहुत ज़्यादा है पे सोजिश इसकी भी है ये हाँ भी थोड़ा दिखवाया से सब तो मेन वजह इसकी बनी है पोटे बंद दी पोटा इसका बंद थी है इस वजह से जहर थी गई है असा अच्छी तो मुर्गी का ऑपरेशन जो वैसे पोस्टमार्टम आखा जाता वो किया से थोड़े सामने कि मुर्गी की पोट बंद आई इन वजह की तो मुर्गी हलाक थी मरी है इस वजह के वास्ते भी असं चेक करी दें कि हर मुर्गी अगर कहीं ना कहीं मरे तो उसको लाजमी चेक करना होंगे कि क्यों कोई बीमारी वगैरह या कोई इस किस्म का मसला नहीं बनता पे लेकिन इसका थी पोट बंद ये नहीं पता कि कड़ी वजह थी अस लेकिन मिट्टी अस बहुत ज़्यादा खाधी हुई आई शायद मुमकिन इस वजह थी आवे उस तो बाद मुर्गी सारी गुजर बाद थी गई है जहर थी तो बाद इसका पोटा हाँ तो वैसे बंद आई इसका कलेजी ये सोजिश कर गई है उस तो इलावा इसका जोड़ा वो अस हाँ आद हैं सराइकी के पिता पिता बिल्कुल नॉर्मल है पिया कि सुख गया आई कि उस देर का कोई इन नल तलक का ही नहीं इस दे वैसे जड़िया आंदरा वगैरह होंगे वो भी बंद थी चुकी हैं इन वजह कि मुर्गी सारी मरी है। उम्मीद करे सा वीडियो ब्लॉग पसंद आया इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग नाल बात मिलसूँ। अल्लाह हाफिज़।